मैं सिलवत बीबी, मैं सिलवत बीबी, जब सुलेमान सिकंदर, जब सुलेमान तागर। सदियों सियासत से वाबस्ता मारूफ सियासी ख़ानदान की चश्मो चिराग राजा रिसालू का लकब पाने वाले नवाब ज़मींदार सुलेमान सिकंदर तारर और इलाका भर में सखावत और गरीब परवरी में शोहरत पाने वाली बैदी बीबी की बेटी उर्दू इंग्लिश शायरी की मशहूर कुतब वफा के दीप टूटा आईना रिफ्लेक्शन शेड्स औरत और कानून की राइटर पामिस्ट्री में वसी तजर्बा और मुतअद्दद शोबों में कामयाबियां समेटने के बाद अब सियासी हलकों में भौंचाल बरपा करने वाली मारूफ सियासतदान मोहतरमा सिलवत सुलेमान सिकंदर तारर से मिलने लाहौर गुलबर्ग टू उनकी रहायश गाह पहुंची। भाई मलक अंसर ने इस्तकबाल किया। मैडम सलवत सुलेमान सिकंदर तारड, फीमेल्स में इतना लंबा नाम। सलवत मेरा नाम है और वालिद का नाम सलमान सिकंदर है, तो वो साथ लगाती हूँ मैं। मैंने अपने हस्बैंड से पूछा था कि आप इस चीज़ पर आपको कोई एतराज़ तो नहीं कि मैंने वालिद का नाम साथ हटाना नहीं है, तो जब उन्होंने एग्री किया तो मुझे इससे ज़्यादा और क्या मतलब मेरे लिए क्या अच्छी बात थी, ऑनर की बात थी। तो आई ऑलवेज वांटेड माय फादर्स नेम टू बी विद मी और वो आज भी मेरे साथ है और हमेशा रहेगा। इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की और कहाँ तक? कॉन्वेंट ऑफ जेसस एंड मेरी नंस का स्कूल है, वहाँ मैं पढ़ी और उसके बाद कॉलेज गई, कनेट कॉलेज, आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम देयर। फिर लंदन जाके शॉर्ट कोर्सेज डिफरेंट चीज़ों में किए, स्कूल ऑफ आर्ट्स भी गई और डिज़ाइनिंग का भी सर्टिफिकेट जो है और वहीं से मैंने डिज़ाइनिंग भी की एंड डिफरेंट अदर मल्टीपल थिंग्स इन इंग्लैंड आल्सो। एंड आपने किताबें भी लिखी, कितनी जबानों में लिखी और उनके नाम क्या हैं? मैंने उर्दू में लिखी और मैंने इंग्लिश में लिखी, तो दो ही जबानें हैं। तो उसमें पंजाबी क्योंकि बड़ी डिफ़िकल्ट हो जाती है लिखने में, बट पंजाबी की शायरी भी बड़ी कमाल होती है, पर उसमें अनफॉर्चुनेटली मैंने अभी लिखी नहीं है। तो वफा के दीप मेरी फर्स्ट बुक थी, फिर टूटा आईना मेरी सेकंड बुक थी, उसके बाद इंग्लिश वाली जो थी वो रिफ्लेक्शंस थी और शेड्स थी, और एक मैंने लिखी थी औरत और कानून, तो ये मेरे ख्याल फाइव हो गई। शायरा, फिर डिज़ाइनिंग और फिर अचानक से सियासत। शायरा तो सियासत में रह के भी मैं शायरा रह सकती हूँ ना, वो तो आपके इन बॉर्न होती हैं चीज़ें, और शायरी इज़ अ पार्ट ऑफ मी, शायरी इज़ सिलवत, सिलवत के अंदर एक इन बॉर्न शायर है और वो मैं किसी भी चीज़ पे लिख सकती हूँ। और बेसिकली जब शायरी का मुझे मैंने डिस्कवर किया कि कब और कैसे मुझे शायरी आ गई, वो मेरे वालिद के, जब मुझे अंदाज़ा हुआ कि दुनिया से चले गए, मैं बहुत छोटी थी, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते गए तो वो जुदाई जो थी वो अंदर एक खला बनती गई, और मैं मेरे ख़्याल में 11 साल की थी जब मैंने उनके लिए पोइट्री की थी, तो वहाँ से मुझे अंदाज़ा हुआ कि आए Have a poet in me। पहली शायरी क्या थी? पहली शायरी ही आपको बता रही हूँ कि वालिद पे थी। क्या नसर थी, नजम, वो नजम शेर थी,
वो नज़म थी, याद है आपको? वक्त आ गया है अब वापसी का, न कोई था न कोई है, चलो अब बसेरा करो खाक में, ये लाजमी था, न कोई था न कोई है, सकूँ मिलेगा मुझे मिट्टी की गोद में सोकर, ऐसे रुखसत न कर मुझको इस दर्द से रोकर, इस जवानी के उलझने का गम नहीं मुझे, गम तो है इन गमों को छुपाने का, रंजिश तेरा साथ छोड़ने की है मुझे, दुख है दिल लगाकर चले जाने का, तू अपनी दुनिया में मगन, मेरी हालत की तुझे क्या खबर, ए हम सफ़र, मेरे दिल की नगरी इस गम में चूर हो गई, ना कभी चाहत हुई तुझे कि तेरी ज़िंदगी तुझसे कितनी दूर हो गई, गमों का आसमां टूटा मेरे ऊपर, आंसुओं की बारिश ने साथ छोड़ा ना मेरा, घर हार कर मैंने साथ ज़िंदगी छोड़ा तेरा, ये टोटल मेरे वालिद पे है, इस पे कोई दो राय नहीं है कि किसी और को सोच के लिखी थी। जब आपके वालिद जो है वो इस दुनिया से गए, तब आपने फिर ये उनके लिए लिखा पोइट्री फॉर माय फादर, इसमें तो कोई डबल ओपिनियन ही नहीं है। तब आपकी एज 11 साल थी? यस, जब वालिद गए तब 4 साल थी, लेकिन अब 4 साल की बच्ची को तो पता नहीं था ना कि वफात क्या है। मुझे ये कहा जाता था, मेरी दादी कहती थी कि वो सऊदी अरेबिया गया है और वो आ जाएगा, तो मैं तो उस इंतज़ार में थी। जब मैच्योरिटी का लेवल आया तो मैं बहुत ज़्यादा डीप एंग्जाइटी में रहना शुरू हो गई, मैं हर बात पे बहुत हसास बच्ची हो गई कि सबके फादर्स हैं, मेरे वालिद किधर हैं। जब मैं स्कूल जाती थी कॉन्वेंट में, तो मेरी नान्स मुझे एक्स्ट्रा प्यार देती थी और वो हॉस्टल ले जाती थी अपने। नान्स का आपको पता है, रोमन नान्स थी हमारी, रोम की पेरिस की, तो बड़ी वो प्यार वाली और बहुत केयरिंग थी। उनको तो पता था कि अब फादर का लॉस हुआ है, क्योंकि वो मेरे बाप से मिली हुई थी, और वालिद साहब की तारीफ़ सिर्फ मैं नहीं करती ना, पूरा ज़िला करता है हमारा। तो जब वो देखते थे कि ये वो बच्ची जो बहुत हंसती थी और बहुत हर चीज़ में पार्टिसिपेट करती थी, एकदम से इसे क्या हो गया है कि मैं बैक सीट पर बैठना शुरू हो गई, और सोचते 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 आई बिकेम द पोएट, द रीज़न ऑफ माई पोइट्री अगेन इज़ माई फादर, जो मैंने पहली डेथ देखी। कौन सी क्लास में थी जब आपने ये? क्लास फिफ्थ, मुझे याद करने की ज़रूरत नहीं, फिफ्थ। मुझे फिफ्थ में आपका आईक्यू लेवल इतना था कि आपने ये लिखा? यस। आपसे पहले आपके ख़ानदान में किसी और ने भी शायरी की? हाँ, मुझे जो जेनेटिकली आई वो मेरे दादाजी मियाँ बशीरुल्लाह तारर, उन्होंने शायरी की और पूरी किताब लिखी, और बेतहाशा उन्होंने अपने अकीदे पे लिखी, और बड़ी खूबसूरत शायरी की। मैं गैदर कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ कि वो बुक मुझे मिल जाए और फिर हम उसको प्रॉपरली पब्लिश कराएं। तो ये चीज़ें जेनेटिकली आती हैं। फिर मेरी खाला आलिया उस्मान तारर, उन्होंने भी बड़ी खूबसूरत किताबें लिखी, विछोड़ा और नाम इस वक्त दिमाग में नहीं है, बड़ी खूबसूरत शायरी करती। अच्छा। पंजाबी, उर्दू, एंड शी इज़ अ वेरी गुड पोएट, बहुत कमाल की शायर है, और वो अक्सर मेरी चेक भी करती थी। मेरे टीचर अहमद फराज थे बेसिकली। और इनके शायरों में आप किन से इंस्पायर हैं? ये लंदन में मेरा इंटरव्यू हुआ था, और उन्होंने क्वेश्चन एक इंटरव्यू में नहीं, 3-4 दफ़ा पूछा, और वो मेरे पास रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है। मैंने कहा मुझे अंकल फराज का, मेरे ख्याल मैं लॉकेट पहन लूँ, अंकल अहमद फराज। और भी शायर हैं, कतील छपाई हैं, सागर सदीकी हैं, गालिब हैं, मिर्ज़ा गालिब की शायरी आपको पता है, मीर तकी मीर हैं, इलामा इकबाल हैं, बहुत सारे अच्छे हैं। अपने दिल को क्या भाता है, अहमद फराज के बाद आई थिंक मुझे जो बहुत इंस्पायर करते हैं वो कतील छपाई हैं, बहुत। आप पामिस्ट भी हैं? जी। पामिस्ट्री की तालीम हासिल की या तुक्काबाज पामिस्ट हैं? पामिस्ट्री प्रॉपर मैंने प्रोफेशनली सीखी, जब मुझे पता लगा कि मैं हाथ पकड़ कर लोगों को बताना शुरू हो जाती, मैं लाइंस भी नहीं देखती थी, आई यूज़ टू होल्ड द हैंड और मैं बातें बताना शुरू हो जाती थी कॉलेज में, जब मैं कैनेड में थी, तो मेरी फ्रेंड्स ने कहना तुम्हें कैसे ही पता लगे,
देन आई बिकेम अ लिटिल बिट सीरियस इन इट. फिर मैं थोड़ी सीरियस हुई एंड आई स्टार्टेड लर्निंग. और फिर मैं थे बहुत बड़े पामिस थे कराची के हैं वो सर टोनी, तो उनसे मैंने काफ़ी इसको पॉलिश किया. फिर मैंने ये टैरो कार्ड रीडिंग जो होती है जिसपे बुरा समझा जाता है पाकिस्तान में, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इन है यूरोप साइड पे, शेंगन में, अमेरिका में. तो वहाँ से मैंने डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस से मैंने इसकी लर्निंग ली, प्रॉपर लर्निंग ली टैरो कार्ड्स की भी. तो सो इट बिकेम अ पामिस्ट्री प्लस टैरो कार्ड रीडर. अगर मैं अपना हाथ दिखाऊं जी, जो भी इन्होंने अभी तक बताया ये ठीक बताया, बाद में क्या बताती है उसका मैं आपको बाद में बताऊंगा. शॉपिंग के लिए शॉपिंग मॉल पहुंचे. मेरी चार बेटियां हैं, आई गॉट फोर डॉटर्स. इधर ही जी, एक अमेरिका होती है वो आजकल आई हुई, और तीन इधर हैं. काइंडली बुलाइए उनको. सफीना, माहीन, रामीन, थ्री ऑफ यू कम हियर. आपका नाम क्या है? सफीना. सफीना क्या करती हैं आप? मैं पढ़ती हूँ अभी, स्टडीज कर रही हूँ 11th ग्रेड में. अच्छा. फर्स्ट ईयर. तो मामा का आपके साथ कैसा रहा है? हमारे साथ तो बहुत अच्छा रवैया है. वो बिल्कुल पॉलिटिक्स में भी हैं लेकिन वो हमें फिर भी पूरा टाइम देती हैं, और वो गांव होती हैं लेकिन वहाँ से वो फिर भी थोड़े डेज ऑफ लेके हमारे पास आती हैं हमें मिलने, और बाकी उनका सारा फोकस हमारी स्टडी सब चीज़ों पे. मामा से ज़्यादा प्यार करती हैं कि पापा से? मामा से. पापा पास नहीं है इसलिए बोलते. नहीं, पास भी होते तो मैं बोल देती. बुढ़िया आपका क्या नाम है? माहीन. आप क्या करती हैं? स्टडी ऑफ. कौन सी क्लास में? 9th. मैट्रिक आर्ट्स कर रही हूं. मुस्तकबिल में क्या करने का इरादा है? वांट टू बी सिंगर. सिंगर? दे आर फ्री टू डू एनीथिंग. कौन फेवरेट सिंगर कौन है? अभी तो वो मोमिना मुस्तहसन. मोमिना मुस्तहसन, उसका कोई सॉन्ग गुनगुना सकती हैं? मुझे उसके सॉन्ग्स वैसे नहीं आते वैसे, क्योंकि उसने किसी से सीखा नहीं ना हुआ. अच्छा. नहीं, उसने अपने से ही सारा शुरू किया था, तो बाकी सिंगर्स ने सीखा. तो आपको गुनगुना के ठहरे अजनबी इतनी मदारा तो के बाद हम के ठहरे मुलाकातों के
वेरी गुड, ये फैज अहमद फैज की शायरी है। मामा जब गाती हैं तो उनके साथ पीछे फॉलो करके ना जो वो गाती हैं। मैं सिक्स आप बड़े होके क्या बनेंगे? पुलिस। आपने क्या बड़े होके बनना है? मैंने अभी मैं फैशन डिजाइनिंग या लॉयर बनना चाह रही हूँ, लॉ में कुछ ऐसी या फैशन डिजाइनिंग। अभी मेरे दिमाग थोड़ा नेक्स्ट ईयर कंफ्यूजन में है जी। Sometimes she says law, sometimes she says designing. So in दोनों में से she has to choose. आपको फॉलो कौन करता है? डिजाइनिंग में मामा ही थी इसलिए मैं उनके पीछे, वो डिजाइनिंग में भी थी ना। मुझे कौन सी बच्ची फॉलो करती है? I think three of my daughters in a different way. अगर वो गाने की तरफ गई है तो उसको मेरा गाना पसंद है तो वो गाना, ये अगर डिजाइनिंग का कहती हूँ तो मैं डिजाइनर भी हूँ तो डिजाइनिंग, वो अगर पुलिस का कहती है तो मैं डिक्टेटिंग भी हूँ तो शायद उसको लगता है पुलिस में ही डिक्टेटर होता है। पॉलिटिक्स में आप जितना ऑनेस्ट होते हैं, जितना जेन्युइन होते हैं, जितना यू नो ब्लंट होते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं, वो लोग आगे जा सकते हैं। स्पीच थेरेपी जिनको आती हो कि आप पॉलिटिशियन हैं और आप बैठे हैं और आपको बोलना नहीं आ रहा, आप लोगों से पूछ रहे हैं क्या बोलना है क्या नहीं। आपका इशारा नवाज शरीफ की तरफ है। नवाज शरीफ मुझे कभी भी इंस्पायर नहीं किए, हालांकि उनकी बेटी और मैं क्लास फेलोज थे, मरियम नवाज और मैं, हम इकट्ठे पढ़ते रहे कॉन्वेंट में, तो मैं वैसे ही उनसे कभी इंस्पायर नहीं हुई। तब आपने, अच्छे होंगे। तब आपने कभी सोचा था कि आपके साथ पढ़ने वाली मरियम मुस्तकबिल की टॉप पे जो है वो पॉलिटिशियंस में जाएगी? नो नेवर, क्योंकि वो उस तरह की पर्सनालिटी नहीं थी। अपना मुझे पता था, नेवर, आई नेवर एवर थॉट दैट शी वुड बी इन एनी काइंड ऑफ प्रोफेशन। वो बहुत हाउस घरेलू टाइप लड़की थी। मौजूदा सियासतदानों में किस सियासतदान की सियासी बसीरत से मुतासर है? काफ़ी सारे नाम हैं, ले दूँ। एतज़ाज़ एहसन बहुत पसंद है, उनकी बेटी मेरे साथ थी मरियम और मेरे साथ क्लास फेलो थी समन एहसन। एतज़ाज़ एहसन से मैं बड़ी इम्प्रेस हूँ, बड़े नॉलेजेबल हैं। शाह महमूद कुरैशी बहुत नॉलेज रखते हैं और क्या बात है उनकी भी, क्या ही बात है। एंड देन बेनज़ीर भुट्टो ऑफ कोर्स, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ द ऑफ पाकिस्तान एंड ऑफ हमारी जो मुल्क की पहली खातून प्राइम मिनिस्टर थी वो बेनज़ीर थी और उनके वालिद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो। सो ये वो नाम है जिनका तो मुकाबला ही। घर गृहस्थी में कौन सा काम शौक से करती है? ये बहुत ही फनी क्वेश्चन है। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली मुझे कुछ बनाना नहीं आता, सुपरविजन करनी आती है। मतलब जैसे ट्रॉली लग रही है तो मुझे पता होगा कि ये ठीक नहीं है, ये मेरे सिस्टम के मुताबिक नहीं है। ऊपर खड़ी के सुपरवाइजर जिस तरह होता है वो काम आप करेंगी वेरी नाइसली। आई कैन यू नो, सफाई का, क्लीनलीनेस का बहुत क्रेज है और ब्यूटीफुल लैम्प्स का बहुत क्रेज है, ब्यूटीफुल रोजेस का और वाजेस का, पेंटिंग्स का कि वो घर में हो, और टेपेस्ट्री जल्दी चेंज हो, सोफ़ास चेंज हो, बहुत साल एक ही चीज़ ना चलती रहे, और किचन बहुत सुथरा होना चाहिए जिसमें कि कॉन्टिनेंटल कोई चीज़ मैं बना सकूं। उसमें मुझे एक ही चीज़ आती, मैश्ड पोटैटोज, वो सबसे इजी है और वो मुझे आती। अच्छा, बेटियों में कौन सी बेटी घर में कुछ पकाने में दिलचस्पी रखती है या कुकिंग? चारों, बड़ी वाली तो अमेरिका में सारी खुद कुकिंग करती है, और सफीना, माहीन, रामीन, थ्री ऑफ देम माशाल्लाह
अनलाइक मी, मेरी बहुत ख्वाहिश थी कि मेरी बेटियाँ मेरी तरह अपाहिज नहीं हों, बिकॉज मेरा मेरी स्टोरी डिफरेंट थी. आई वॉज बॉर्न इन अ सेवन जनरेशन, सात नस्लों में मैं पैदा हुई थी. तो पैम्परिंग, लाड, आपने किचन में नहीं जाना, आपने ये नहीं करना. ओहो, अब मैं कहती हूँ किचन का कुछ आना तो चाहिए था ना. केटल वाली चाय मैं बना सकती हूँ और अंडा बॉयल कर सकती हूँ और मैश्ड पोटैटोज, मैंने आपको बताया वो बेल्जियम की खसूसियत है और बहुत बड़ी उनकी वो अच्छी डिश है. वो बहुत ईजी है, उनको बॉयल किया और मैश करके बीच में चीज़ मिक्स की एंड देन यू मेक इट एंड देन यू सर्व इट. खाने में आपको क्या पसंद है? दाल और चावल, बहुत ज़्यादा सफ़ेद चावल और चनों की दाल मेरी फेवरेट हमेशा. ये ऐसे नहीं, मजाक नहीं कर रही, लिटरली कुछ मिले ना मिले बस वो मिल जाए, आई एम हैप्पी. और स्वीट्स में पेस्ट्रीज, चॉकलेट्स, केक, क्योंकि जो स्वीट है ना वो आपका टॉलरेंस लेवल बहुत बढ़ाती है, पेशेंस देती है, रिलैक्स रखती है. तो पॉलिटिक्स में रिलैक्स रहना बहुत ज़रूरी है, हाइपर नहीं होना. तो स्वीट मेरी पॉकेट में होती है कहीं ना कहीं, आई मीन चॉकलेट. फास्ट फूड में क्या? आई फिलेट ऑफ फिश मैकडोनल्ड्स की एक ही मुझे बला अच्छी लगती है, दैट्स फिलेट ऑफ फिश. जब आपकी शादी हुई जी, तब आपकी उम्र क्या थी? जब शादी हुई आई वाज 16. नो, आई वाज 16 व्हेन आई बिकेम अ मॉम ऑफ माय फर्स्ट डॉटर. 16 की तो मैं थी जब मेरी पहली बेटी पैदा हुई. हाँ जी. अच्छा, आपने एक बेटी की शादी की हुई है जी, उसकी भी एक बेटी है जी, अभी हुई उसकी बेटी साल की. आई हैव अ ग्रैंड डॉटर. ब्रिंग अलाया, ब्रिंग अलाया. बाय बाय. Oh my baby, bye 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 bye. बच्चे जो हैं वो गांव में रहना पसंद करते हैं या शहर में? गांव. They love their village. गांव. क्योंकि मेरी वालदा के साथ बहुत इनकी अटैचमेंट थी, तो जब मेरा भतीजा वफात पाया ना शबाद, तो उसके बाद से फिर मैं ससुराल ईदें वगैरह नहीं करती थी. वो अंडरस्टैंड करती थी मेरी मादर इन लॉ कि मेरे और भी बच्चे हैं और भी पोते हैं, आप उधर जाया करो कॉलो, क्योंकि अम्मी के पास कोई नहीं था. तो मैं ही उनकी बेटी थी, मैं ही उनका बेटा रह गया. बिलाल सिकंदर तो फौत हो गए ना 2003 में. तो बच्चों की बहुत अटैचमेंट अपनी नानी के साथ थी. उस टाइम भी मैंने इनको कम ही पाला है, मम्मी ने इनको बहुत टाइम दिया है. और मम्मी वुड ऑलवेज ट्रीट दम लाइक फ्रेंड्स, जैसे दोस्ती नहीं होती, हर बच्ची को अपना एक, हर बच्ची समझती कि उन्होंने मुझे ज़्यादा प्यार किया है, वो समझती मुझे ज़्यादा प्यार किया, बड़ी वाली समझती है कि बस वो मेरी थी. तो मतलब बड़ी वाली के साथ तो मैं ऐसे हूँ जैसे वो मेरी बहन है, बातें भी कर ली, शेयर भी कर लिया, एंड आई एम वेरी क्लोज टू हर, वेरी क्लोज टू हर बड़ी वाली के साथ. सियासी मसरूफियत की वजह से जी कभी अज़दवाजी ज़िंदगी में खलल पैदा हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह नहीं, हस्बैंड बहुत कोऑपरेटिव हैं और बहुत कोऑपरेट करते हैं. मैं समझती हूँ कि आप जब सियासत में होते हैं तो आपका जो स्पाउस है, इनटेक है, आपका जो स्पाउस है या आपका जो लाइफ पार्टनर है, वो आपके साथ अगर कोऑपरेट नहीं करता तो आप सियासत कर ही नहीं पाते. तो उसकी फुल कोऑपरेशन मेरे साथ है अल्हम्दुलिल्लाह, एंड इज़ बिलीव मी आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग, ही इज़ अ जेम ऑफ अ पर्सन. एजाज बहुत अच्छे हस्बैंड हैं, बहुत अच्छे फादर हैं, और उनकी गवाही तो आप गुजरांवाला से ले लीजिएगा कि वो अपने ऑफिस से जब गए हैं और उनकी पोस्टिंग सरगोधा हुई है तो लोग पीछे रो रहे थे. वो बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, तो वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और मैं बहुत सारी चीज़ें उनसे गाइडेंस लेती हूँ, क्योंकि वालदैन तो अब सर पर हैं नहीं, तो वो दोस्त भी हैं, गाइड भी मैं उनसे गाइडलाइंस भी लेती हूँ, एंड आई थिंक ही इज़ माय बेस्ट फ्रेंड.
खुद फोन किया था कि इतनी भाग दौड़ मेरे पीछे हो रही है, आप मेरा नाम रिमूव कर दें। सबसे बड़ा हरीफ कौन था उसमें? मैंने मेहदी हसन भट्टी जो है ना, कमाल फिटनेस, राज क्या है, जिम जाती हैं या खुराक का कमाल है? इजहार इश्क कर दिया हो हर एक खून का जड़ा कतरा है वो इधर तो कुर्बान है और इधर सिर पे आधा कोटा। स्टॉप ट्रस्टिंग फ्रेंड्स, स्टॉप ट्रस्टिंग फ्रेंड्स, इतनी नाकामी दोस्त देंगे, इतनी नाकामी हसद बहुत है।